हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। तो नौर जिला की बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व माध्यमिक पुलिस लाइन से स्कूली बच्चों का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली निकाली गई है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली को मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्कूली बच्चों के द्वारा इस रैली को शहर के मुख्य मार्गों से निकालकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव के द्वारा बताया गया कि जनपद बिजनौर के बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालय के बच्चों के द्वारा जनमानस से सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम रैली निकाली जा रही है। कल 19 मई को विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिता आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें। को लेकर जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके बच्चों द्वारा एक अवेयरनेस रैली निकाली गई है। ये रैली जो हमारे बिजनौर के शहर के जो स्थानों पर घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी। अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं RTO साहब के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार लोगों की हानि होती है, जनहानि होती है, इसको लेकर इसकी जागरूकता अभियान चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, जनपद बिजनौर के बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा आज जनमानस में सड़क सुरक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और उसमें बच्चों द्वारा रैली निकाली जा रही है। आज 18 तारीख को और कल 19 तारीख को विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अन्य विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे कि बच्चों के माध्यम से हम सब ये अपील करना चाहते हैं कि हर जनमानस सड़क सुरक्षा के प्रति, अपने जीवन जानमाल की सुरक्षा के प्रति सचेत हो। कभी भी जब वो वाहन चला रहा हो मोबाइल का प्रयोग ना करे, या कभी शराब पीकर या अन्य किसी अवैधानिक गतिविधि के तहत वो वाहन न चलाए, जिससे अपनी जान के साथ साथ अन्य लोगों की भी सुरक्षा हो सके। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को